हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाय वेश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड परीक्षा बोर्ड 2022 का टर्म वन का सेट वन 11th क्लास का लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका कक्षा 11वीं का सेट वन है। तो इसमें हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश देगा या पद्यांश देगा, उनमें से आपको एक से लेकर चार तक के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, यह आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। इसके बाद उसके अनुसार दिए गए क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, यौवन की तुलना किससे की गई है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद बता रहा है, यौवन की साथरता तब मानी जाती है जब कठिनाइयों से हार न मानना, संघर्ष रहे या उन्नति के पथ पर अग्रित होना उपयुक्त सभी। इसके बाद कह रहा है, कवि के अनुसार यौवन क्या है। तो कवि के अनुसार यौवन चट्टानों से टकराना, नव उत्सव, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद कब है, काव्यांश के अनुसार नौ युगों में क्या गुण होते हैं, तो अद्वय, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए, आपको एक पद्यांश दे दिया, अब यहाँ गद्यांश देगा, और गद्यांश आपको क्वेश्चन नंबर पाँच से लेकर इतना तक रहेगा, आठ तक रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसको कुछ नहीं मिलता है, तो भाग्यवादी को कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व में जो देश आगे बढ़े उसकी सफलता का रहस्यमय क्या है, कठिन परिश्रम। इसके बाद कह रहा है, भाग्य का दूसरा नाम क्या है, कठिन परिश्रम। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम। इसके बाद है, आलेख एक विद्या है, कैसी विद्या है, तो गद्य लेखन की विद्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है, जनसंचार का श्राव माध्यम कौन सा है, रेडियो। इसके बाद हमारा है, पिक्चर के लिए हिंदी में उपयुक्त रूप का हो जाएगा, तो इसका रूपक हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का रूपांतरण है, तो रिपोर्ट का। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है, तो इसका हो जाएगा प्रिंट माध्यम का, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार लेखन में। जो हरा वाला दिखाई दे रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम था, अर्थात जो हिंदी में पहला समाचार पत्र छपा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदित मांडर। इसके बाद है, समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, छः प्रकार का होता है, यहाँ पर हम चार लिख दिए हैं। इसके बाद है, संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूचनाओं का संकलन संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आपका संपादक अर्थात रिपोर्टर को, अर्थात इसका आप आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक से देगा 19 से लेकर 22 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। इसके बाद गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो कृष्ण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। कुल की कहानी किसे कहा गया है, तो मीरा को। इसके बाद क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकारा है, तो कृष्ण को। इसके बाद कबीरदास ने किसका खंडन किया है, वांडेकर और रूढ़वाद का, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कह रहा, कबीर की भाषा कैसी थी, सुडुकडी। इसके बाद है, मीरा को विष का प्यारा किसने दिया, राणा ने। वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है, तो इसका ग्रामीण परिवेश का चित्रण नहीं किया गया। इसके बाद नहीं किया गया है। इसके बाद है आपका रो पड़े, 99% सही है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पड़ने का उल्लेख है, पिता के।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं गद्यांश, फिर आपको किताब से गद्यांश देगा, उसको क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 रहेगा। मियां नसरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? तो कृष्ण सोबती। इसके बाद आपको बता रहा है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? तो 56 प्रकार के। इसके बाद है चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहा था? मियां नसरुद्दीन। इसके बाद है लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था? तो आटा सन रहा था। इसके बाद आपका प्रश्न उत्तर रहेगा पंथेल पंचाली फिल्म किसके निर्देश में बनी? सत्यजीत राय। इसके बाद आपका हो जाएगा लेखन सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? ऑप्शन नंबर बी कंपनी, विज्ञापन कंपनी में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मियां ने पढ़ाई के लिए कितने तरीके बताए? तो मियां ने पढ़ाई के लिए दो तरीके बताए। इसके बाद आपका क्वेश्चन 35 है मियां नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? संस्मरण। इसका राइट आंसर भी संस्मरण। इसके बाद है नमक का दरोगा कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है? निर्भर होकर कर्तव्य का पालन करना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन है? अनूप मिश्र। इसके बाद है पालर पानी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बरसात से मिलने वाले पानी को पालर पानी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता था? इसका हो जाएगा थिप घास का। इसके बाद क्वेश्चन है कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी चेलबाजी। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये आपका 40 क्वेश्चन का सेट है जो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही अच्छा हो सके, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको सॉल्व करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।